पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें दिनों ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर नवाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है। देश की शीर्ष भ्रष्टाचार निरोधक संस्था ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली गई हैं। शरीफ और उनका परिवार भ्रष्टाचार और धन शोधन के आरोपों से घिरे हैं। वहीं इसके पहले उच्चतम न्यायालय ने पनामा पेपर्स स्कैंडल में बेईमानी को लेकर शरीफ को 28 जुलाई को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के अयोग्य ठहरा दिया था। इसके बाद नवाज और उनके बच्चों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने की व्यवस्था की गई थी। नवाज परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई कर रही इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद सफदर को 26 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने लाहौर के बाहरी इलाके रायबिंड में शरीफ के घर पर समन और संपत्ति कुर्की का नोटिस लगा दिया। फिलहाल वे अपनी बीमार पत्नी कुलसुम को देखने के लिए अपने बच्चों के साथ लंदन गए हैं। बताया जा रहा है कि कुलसुम गले के कैंसर से पीड़ित हैं और उनका लंदन में इलाज चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं कि शरीफ परिवार NAB भ्रष्टाचार के मामलों का सामना करने के लिए वापस नहीं लौटेंगे। वैसे सत्तारूढ़ PMLN का कहना है कि पत्नी की तबीयत सुधरने के बाद वह वापस लौटेंगे। एक NAB के अधिकारी का कहना है कि हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दूसरे वाणिज्यिक बैंकों को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि चूंकि शरीफ और उनके बच्चे और दामाद सफदर NAB मामलों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में उनके बैंक खातों पर कड़ी नजर रखी जाए।